आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर सेवन में वन अपॉन ए एक्सर प्लस बी एक्स प्लस सी है ठीक है तो ए बी सी कांस्टेंट है एक्स वेरिएबल है आपके पास ओके बेटा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास आ, ये हमारे पास आया बेटा आपके पास आ, ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन रूल से करेंगे क्लियर है तो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं बेटा डी अपॉन डी एक्स क्लियर है डीएक्स आपका किसका आएगा फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे वन है आपके पास और सेकंड फंक्शन आपके पास एज इट इज़ आएगा ठीक है तो मल्टीप्लाई सॉरी माइनस आपके पास डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और फर्स्ट एज इट इज़ ठीक है फर्स्ट फंक्शन आपके पास वन है बेटा और सेकेंड जो है वो आपके पास ये है क्लियर है ठीक है तो आप डेरिवेटिव ले रहे हैं नीचे आपके पास क्या आता है यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्र सेकेंड फंक्शन का होल स्क्र ओके तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास वन है जो वन कांस्टेंट नंबर है वो जीरो हो गया ठीक है अब जीरो किसी की नंबर साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ओके बेटा तो आप इसका डेरीवेटिव ले रहे हैं डेरिवेटिव यहाँ पे एडिशन की फॉर्म में है ठीक है तो आप ए कांस्टेंट बाहर लेंगे तो टू ये एक्स स्क्र है एक्स की पार N है तो क्या आएगा टू एक्स टू माइनस वन ठीक है बेटा प्लस बी है आपके पास एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन ठीक है 1, और प्लस सी का ज़ीरो क्लियर है बेटा तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया और वन जो है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है अपॉन में आपके पास क्या आएगा ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्र ओके अब आपने ज़ीरो के साथ ये मल्टीप्लाई किया तो सारी टर्म क्या होगी ज़ीरो माइनस है बेटा यहाँ पे टू ए एक्स टू में से वन गया तो क्या आएगा वन नहीं ठीक है प्लस आपके पास क्या है बी बी वन जब बी है ना तो ज़ीरो आप लीव कर देंगे हमारे पास नीचे क्या है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस टू ए एक्स प्लस बी अपान में एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर क्लियर है बेटा ये आंसर आ गया आपका ओके तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट देखिए आप एट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है फंक्शन ले रहे हैं आप इसको ए एक्स प्लस बी अपान में पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर तो ये भी आप देख रहे हैं कौन सी फॉर्म में आएगा आपके पास क्वेश्चन रूल में आएगा किस रूल में आएगा ये आंसर आपके पास क्वेश्चन रूल में ठीक है तो आप इसमें क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहे हैं derivative लेंगे आप इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन का अपॉन में पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर तो आप ये फर्स्ट फंक्शन अपॉन में सेकंड फंक्शन है आपके पास ओके okay, तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे हमारे पास तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है ये डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई में आपके पास सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज अपॉन में क्या आएगा सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर ओके बेटा ये आपके पास आ गया इसकी वैल्यू ओके okay? तो नेक्स्ट स्टेप देखिए इसका इज इक्वल टू डेरिवेटिव आप इस फंक्शन का लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स हो जाएगा आपके पास वन और बी क्या आ जाएगा जीरो ठीक है और आपके पास सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस बेटा यहाँ पे आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लीजिए पी कांस्टेंट नंबर है एक्स के मतलब एक्स की पार एन तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स टू की पार एक्स एक्स की पार टू माइनस वन हो जाएगा प्लस क्यू एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस आर का डेरिवेटिव जीरो सेकेंड फंक्शन सॉरी फर्स्ट फंक्शन जो है वो एज इट इज ठीक है अपॉन में आप देख रहे हैं हमारे पास जो है इसका क्या, क्या है पी एक्स स्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्यर तो ये सेकेंड फंक्शन हमारा चल रहा है ठीक है इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे ए आ गया आपके पास पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर माइनस बेटा टू पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स प्लस बी ठीक है अपॉन में आपके पास पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्अर यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा आप ए इससे मल्टीप्लाई करिए ए पी एक्स स्क्र प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस बाहर रहेगा अभी टू पी एक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए टू पी ए एक्स स्क्र प्लस टू पी बी एक्स प्लस क्यू के साथ करिए क्यू ए एक्स प्लस क्यू बी अपान में आएगा नीचे पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्र आगे आप इसको ऊपर सॉल्व करिए ए पी एक्स स्क्र प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस इसको करिए मल्टीप्लाई टू पी एक्स स्क्र माइनस टू पी बी एक्स माइनस टू क्यू ए एक्स माइनस क्यू बी अपॉन में पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्केयर ठीक है आगे देख रहे हैं आप ए पी एक्स स्क्र और कोई वैल्यू है ए पी एक्स स्क्र की यस टू पी एक्स स्क्र ये और ये आप ले रहे हैं तो माइनस ए पी एक्स स्क्र ए क्यू एक्स ए क्यू एक्स कैंसिल हो जाएगा ए आर बच्चा आपके पास तो लिखेंगे ए आर माइनस टू पी बी एक्स माइनस क्यू बी अपॉन में है आपके पास पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्र तो ये आंसर है आपके एर्थ क्वेश्चन का देखिए ए पी एक्स स्क्र माइनस टू पी बी एक्स प्लस ए आर माइनस पी क्यू बी एंड दिस हाँ ये ही आंसर है बेटा आपका पीछे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में देखिए आपको क्या दिया है पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी ठीक है तो आप बेटा डेरीवेटिव ले रहे हैं अगेन आपके पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन है क्वेश्चन ट्रू लिया आपने तो फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव लीजिए सेकेंड एज इट इज माइनस सेकेंड का डेरिवेटिव लेंगे आप और फर्स्ट एज इट इज ठीक है अपॉन में बेटा आपके पास क्या आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्र ठीक है नेक्स्ट आप ले रहे हैं बेटा डेरिवेटिव इसका पी एक्स स्क्र मतलब x की पावर n तो टू एक्स टू माइनस वन वन हो गया और प्लस q x का डेरिवेटिव वन और r का डेरिवेटिव ज़ीरो और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स का डिवेटिव वन एंड बी का ज़ीरो और ये वाला फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज़ अपौन में बेटा क्या चल रहा है ए एक्स प्लस बी का होल स्क्र करिए इसको टू पी एक्स प्लस क्यू और मल्टीप्लाई में है ए एक्स प्लस बी माइनस ए पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन में है बेटा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू टू पी एक्स से मल्टीप्लाई करिए टू पी एक्स प्लस टू पी बी एक्स प्लस क्यू ए एक्स प्लस क्यू बी माइनस ए पी एक्स स्क्र माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर अपॉन में क्या चल रहा है एक्स प्लस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू आपके पास बेटा देखिए टू पी ए एक्स ओके यहाँ पे टू पी ए एक्स का स्केयर आना था ये स्केयर लिखिए ये वाली वैल्यू और ये ए पी एक्स स्केयर तो क्या आ जाएगा ए पी एक्स स्केयर ठीक है टू में से वन निकल गया और टू पी बी एक्स पी बी एक्स कुछ नहीं है यहाँ पे लिखेंगे टू पी बी एक्स ये हो गया क्यू ए एक्स क्यू ए एक्स कैंसिल हो गया प्लस क्यू बी और माइनस ए आर अपान में है हमारे पास ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये क्वेश्चन नंबर है आपका नाइन्थ नाइन्थ का आंसर है आपके पास ए पी एक्स स्क्वायर प्लस टू बी पी एक्स प्लस क्यू बी एंड माइनस ए आर यही आंसर है आपका ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टेंथ वाला क्वेश्चन नंबर टेन देखिए बेटा ए एक्स की फोर है माइनस बी एक्स स्क्र है प्लस कॉस एक्स है ठीक है तो आप लेट करेंगे आपके पास एफ एक्स क्या है फंक्शन क्या है ए एक्स की फोर माइनस बी एक्स स्क्र प्लस कॉस एक्स ठीक है ये आपके पास फंक्शन दिया गया है ठीक है बेटा तो आप बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स की माइनस फोर और माइनस बी एक्स ये टू है जो माइनस टू हो जाएगा ऊपर जाके और ये कॉस एक्स ठीक है तो ये आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में हो गया ओके आप डेरिवेटिव ले रहे हैं बेटा तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा आपके पास तो आप ए एक्स की माइनस फोर के साथ लेंगे माइनस डेरिवेटिव लेंगे आ, बी एक्स माइनस टू के साथ एंड प्लस डेरिवेटिव आप लेंगे बेटा कॉस एक्स के साथ क्लियर है ठीक है तो आपने डेरिवेटिव अलग अलग के साथ लगा लिया ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे ए कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो एक्स की पार एन क्या है माइनस फोर एक्स माइनस फोर माइनस वन हो जाएगा क्लियर है और माइनस बी कॉन्सटेंट बाहर आ जाएगा एक्स की पार एन है तो क्या आ जाएगा बी बाहर आ गया आपके पास माइनस टू एक्स माइनस टू माइनस वन हो गया ओके प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है तो आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है साइन एक्स एस का माइनस साइन एक्स ठीक है बेटा यहाँ पे हमारे पास माइनस फोर ए एक्स माइनस माइनस प्लस ये माइनस आ गया ठीक है माइनस माइनस प्लस बट माइनस साइन आता है साथ में और यहाँ पे प्लस टू बी एक्स माइनस थ्री हो गया और माइनस साइन एक्स ये आ गया आपके पास ओके बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस फोर ए तो ये पार हमारे पास नेगेटिव है क्वेश्चन में पॉजिटिव थी हमने नेगेटिव की थी अब अगेन इसको आप पॉजिटिव करेंगे ठीक है एक्स ये आ गया आपके पास और यहाँ पे टू बी अपॉन एक्स की थ्री और माइनस साइन एक्स दिस इज़ योर आंसर क्लियर है बेटा ओके थैंक यू